Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry. नमस्कार, बीसी न्यूज के टॉप 20 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच को लेकर टीएमसी विरोध प्रदर्शन कर रही है। सीबीआई की टीम पिछले करीब 13 से 14 दिनों से मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र पुलिस ने कोल्हापुर से आरोपी चेतन पाटिल को अरेस्ट किया। अयोध्या के गोसाईगंज में लड़की का शव मिला है। शव रेलवे स्टेशन के पास खंडर में मिला है। बताया जा रहा है कि 24 अगस्त से अम्बेडकर नगर से लड़की लापता थी। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ के बीच चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवाती तूफान की वजह से तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका भी जताई गई। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन हजारों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होंगे। मशहूर पंजाबी सिंगर सिंधु मूसेवाला का एक और गाना आज रिलीज होगा। मूसेवाला के सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी शेयर की गई। महिला मतदाताओं के बीच हुए एक ताजा सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस को ट्रंप के मुकाबले महिलाओं का काफी सपोर्ट मिल रहा है। टाइगर मेमन के माहिम की अल हुसैन बिल्डिंग में कुर्क किए गए 3 फ्लैट अब केंद्र सरकार को सौंपे जाएंगे। टाडा कोर्ट ने यह आदेश दिए। सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा 26 अगस्त को गिर गई थी। इसी को लेकर शिंदे सरकार पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति ढहने के मामले में सीएम शिंदे ने प्रतिक्रिया दी। सीएम शिंदे ने इस मामले में विपक्ष से राजनीति नहीं करने की अपील की। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में लिया गया सूर्य कुमार यादव का कैच एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन गया है। इस बार अफ्रीका स्टार ने आवाज उठाई। भारत के लिए वनडे और T20 क्रिकेट खेलने वाले तेज गेंदबाज बरिंदर सरन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लिया है। पैरालंपिक में आज भारत की झोली में कुल 6 मेडल आ सकते हैं, जिसमें 5 गोल्ड हो सकते हैं। पहली तिमाही के आर्थिक आंकड़ों से पहले आज शुक्रवार की घरेलू शेयर बाजार में रौनक दिख रही है। दोनों प्रमुख सूचकांकों बीसीई सेंसेक्स और एनसीई निफ्टी कारोबार शुरू होते ही नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। इथेनॉल पॉलिसी में बदलाव करते हुए सरकार ने गन्ने से उत्पादन पर लगी पाबंदी पूरी तरह से हटा दी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम शैलेश लोढ़ा पर हाल ही में दुखों का पहाड़ टूट गया। एक्टर के पिता का निधन हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बेहद बुरी हालत में है। दोनों ही फिल्मों का तीसरे हफ्ते में सिनेमाघरों में टीके रहना भी मुश्किल लग रहा है। स्त्री 2 का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 15 दिन गुजर जाने के बाद भी लोग लगातार थिएटर जाकर श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की इस फिल्म को देख रहे हैं। पीएम मोदी आज पालघर के सिडको ग्राउंड में विकास से जुड़े कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। समाजवादी पार्टी का मिशन महाराष्ट्र एक्टिव है। वो इस बार महाराष्ट्र में पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। आज के T20 खबरों में वक्त चला यही रुकने का। आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।